हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज इस वीडियो में हमें जो M31 है अपना जो M31S है उसका हमें एक नया अपडेट मिला है, जिसमें मई का जो है सिक्योरिटी पेच है और बाकी और सब कुछ। देखते हैं, हम पहले इसको डाउनलोड कर लेते हैं, फिर आपको मैं बता दूँ उसके बारे में। तो दोस्तों, ये जैसे हमारा अपडेट हो चुका है, आप देख सकते हैं ये हमारा सॉफ्टवेयर अपडेटेड है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जो M31S है उसको अभी मैंने अपडेट किया है जस्ट। तो इसमें नया क्या है, वो एक तो इसकी जो सिक्योरिटी है, मतलब सिक्योरिटी पेज लेवल, वो 1 मई 2021 का हो चुका है। और उसी के साथ जो है कि हम मान लीजिए यहाँ हमें एक एप्लीकेशन मिली है देखने को, सैमसंग मिनी, जो पे मिनी की एप्लीकेशन है, वो बहुत से फ़ोन में पहले आती थी लेकिन अभी फ़िलहाल इसमें अभी आई है। तो ये जैसे सैमसंग मिनी है, और इसके बाद जैसे गैलरी में एक अब मैं सबसे बड़ा अपडेट मिला है। जैसे मान लीजिए कोई भी फ़ोटो वगैरह है, तो मान लीजिए जैसे ये फ़ोटो है, तो इस पर हम 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, यहाँ डिटेल्स पर क्लिक करेंगे, तो एडिट पर जैसे ही क्लिक करेंगे अब हम इसको रीनेम कर सकते हैं। पहले इसको रीनेम नहीं कर सकते थे हम। ये गैलरी का अपडेट है एक। और उसके बाद जैसे मान लीजिए हम जैसे मान लीजिए ये किया हमने, इसको रिसेंट में किया, अब जैसे हम इसको होल्ड करके रखेंगे, होल्ड करने के बाद हम जहाँ भी इसको ड्रैग करेंगे ये पॉपअप व्यू में ओपन हो जाएगा। तो मान लीजिए मैंने इसको यहाँ ड्रैग किया, तो आप देख सकते हैं ये हमारा पॉपअप व्यू में अपडेट ये हो चुका है ओपन। ये इसको जैसे हम कोई भी एप्लीकेशन है उसको होल्ड करके रखेंगे तो हो जाएगा वो। मान लीजिए सैमसंग पे है, ये सपोर्ट नहीं करता, ये मान लीजिए ये सेटिंग है, तो ये देख सकते हैं आप। तो एक ये अपडेट है, दूसरा और एक और है कि हम जैसे कोई भी फ़ोटो वगैरह है उसको हम क्लिपबोर्ड में सेव कर सकते हैं, हम जैसे कॉपी कर सकते हैं उसको। तो यहाँ 3 डॉट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ ऑप्शन आएगा हमारे पास कॉपी टू क्लिपबोर्ड। तो ये देख सकते हैं ये यहाँ जैसे कैम सेटिंग में क्लिपबोर्ड, क्लिपबोर्ड में ये सिर्फ सैमसंग का जो कीबोर्ड है ओरिजिनल उसी के अंदर सपोर्ट करता है। मान लीजिए मैं आपको दिखाता हूँ सैमसंग कीबोर्ड, ये मैंने जैसे सैमसंग कीबोर्ड ओपन किया, यहाँ हम 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, यहाँ क्लिपबोर्ड, ये क्लिपबोर्ड में आप देख सकते हैं ये इमेज आ चुकी है। तो यहाँ जो भी हम कॉपी करते हैं, जैसे टेक्स्ट कॉपी करते हैं कोई, तो टेक्स्ट की तरह हम अब हम इमेज को भी कॉपी कर सकते हैं, पर ये सिर्फ वर्क जो है वो सैमसंग के कीबोर्ड के साथ ही करता है, गूगल कीबोर्ड के साथ या दूसरे कीबोर्ड के साथ नहीं करता। तो ये एक अपडेट है। और जैसे मान लीजिए ये एज पैनल है हमारा, तो इसमें भी थोड़ा बहुत अपडेट हुआ है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ सेटिंग में जाके। ये जो की क्लिपबोर्ड का ऑप्शन है वो इसमें भी है, मतलब क्लिपबोर्ड जैसे इसको ऑन कर दिया हमने, ऑन करने के बाद जैसे हम स्वाइप करेंगे, ये स्वाइप किया हमने और ये आप देख सकते हैं ये यहाँ क्लिपबोर्ड जो भी मैंने कॉपी की थी इमेज वो यहाँ दिखा देगी। अब एक ये अपडेट है। तो बाकी जो और भी कुछ अपडेट होता है मैं आपको बताता हूँ। तब तक अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरी आने वाली ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो थैंक यू।